हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बंदा सिंह बहादुर के बारे में। इससे पहले हमने सिख गुरु के बारे में पढ़े हैं, सिख गुरु के बारे में पढ़ा है। पहले 10 सिख गुरु उनके बारे में हमने पढ़े, उसके बाद हमने गुरु गोविंद सिंह जी के वर्क्स के बारे में, खालसा पंथ के बारे में, पंच प्यारे के बारे में, अकाल तख्त, पांच तखत, 5 तखत जो हैं हमारे उनके बारे में, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़े। बैटल्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ये सारी चीजें हमने डिटेल में कंप्लीट कर ली हैं। इससे आगे अब बंदा सिंह बहादुर, जो कि पंजाब जीके का सेकंड टॉपिक है, इससे इसमें बात करने जा रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका बोर्न हुआ था 27 दिसंबर 1670 एट रजौरी कश्मीर में, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? लक्ष्मण दास। ओरिजिनल नाम लक्ष्मण दास, फादर रामदेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल नेम। ये भी बहुत ज्यादा बड़े, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबा बंदा सिंह बहादुर का ओरिजिनल नाम क्या था? लक्ष्मण दास, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ये पहली बार मिले थे सितंबर 1708 में, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने ही इनको नाम दिया था बंदा सिंह बहादुर। ये फर्स्ट टाइम गुरु गोविंद सिंह जी से बंदा सिंह बहादुर मिले थे 1708 में, और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही लक्ष्मण दास को नाम दिया था बंदा सिंह बहादुर। इन्होंने लक्ष्मण दास बंदा सिंह बहादुर ने कैप्चर करा था सरहिंद, समाना, खसका, शहबाद, मुस्तफाबाद, कपोरी, ये सारे जो थे ये बंदा सिंह बहादुर ने कैप्चर किए थे। भाई रागी, जानकी प्रसाद, ठीक है, इन्होंने लक्ष्मण दास जी का नाम बदल के माधोदास कर दिया था। भाई रागी जानकी प्रसाद, ये क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है कि माधोदास इनका नाम किसने रखा था? भाई रागी जानकी प्रसाद। और इस तरह से भी आ सकता है कि बंदा सिंह बहादुर और लक्ष्मण दास एक और नाम क्या है? माधोदास, ठीक है। और इनके फादर का क्या नाम है? अब हम बंदा सिंह बहादुर के बैटल्स के बारे में बात करते हैं। बैटल्स, ठीक है, फर्स्ट बैटल थी इनके बैटल ऑफ सोनीपत, कब हुई थी? 1708। सेकेंड बैटल, बैटल ऑफ समाना, 1709। हम जो डिटेल में करने वाली बैटल है उनको हम डिटेल में करेंगे, जिनका सिर्फ नाम और इयर्स इंपॉर्टेंट है उनका सिर्फ हम वही करेंगे। फर्स्ट बैटल, बैटल ऑफ सोनीपत 1708 में हुई थी। सेकंड बैटल ऑफ समाना 1709 में हुई थी। थर्ड बैटल, बैटल ऑफ सधोर, बैटल ऑफ सधोर या इसको कपूरी भी कहा जाता है, तो ये हुई थी 1710 में। एंड फोर्थ बैटल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चप्पड़चिड़ी, जो कि कहां पे हुई थी? चप्पड़चिड़ी कहां पे है? मोहाली, ठीक है, यहां पे फतेह बुर्ज भी बना हुआ है, मे भी आप सबको पता होगा चप्पड़चिड़ी फतेह बुर्ज बना हुआ है, जिसकी 100 मीटर हाइट है, 320 मीटर फीट है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट बुर्ज,
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चप्पड़चिड़ी बैटल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कब हुई थी? 12 मई 1710 बिटवीन वजीर खां और बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, इसमें बंदा सिंह बहादुर जीत गए थे, वजीर खां किल मारा गया था। ठीक है, अब फिफ्थ बैटल, बैटल ऑफ लोहगढ़, इसको मुखलिसपुर लोहगढ़ भी कहा जाता है। ये 1710 में हुई थी, किसके बीच में? बंदा सिंह बहादुर और फरक्सियर के बीच में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ लोहगढ़। ठीक है, एंड सिक्स बैटल ऑफ गुरदासपुर नंगल, ये हुई थी 1715 में। ये बैटल 6 मंथ तक चली थी। ठीक है, हाँ, और जो जो ये चप्पड़चिड़ी वाली बैटल थी ये 10 डेज तक लगातार चली थी। ठीक है, मतलब ये 12 मई 12 मई को स्टार्ट हुई थी एंड 22 मई तक ये बैटल चली थी। और जो ये गुरदासपुर नंगल वाली बैटल है ये 6 मंथ तक चली थी। इतनी लंबी ये बैटल चली थी। 9 जून 1716 को ये कंप्लीट हो गई थी बिटवीन फुरुक्सियर एंड बंदा सिंह बहादुर, इन दोनों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें बंदा सिंह बहादुर जीत गए थे एंड लास्ट में बंदा सिंह बहादुर को मार दिया था किसने? फुरुक्सियर ने। ठीक है, और उसने अरेस्ट कर लिए थे 300 सिख। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर को फुरुक्सियर ने अरेस्ट कर लिया था, उसने मार दिया था और 300 सिख भी उसने अरेस्ट कर लिए थे, जिसमें से वो हर रोज 100 सिख मार देता था, मतलब तीनों दिन उसने मार दिए। ठीक है, और बंदा सिंह बहादुर जी का बेटा अजय सिंह, उसको भी फुरुक्सियर ने अरेस्ट कर लिया था और उसको भी मार दिया था, किल कर दिया था। किसने? फुरुक्सियर ने। कहां पे हुई थी? एट दिल्ली। ठीक है, कहां पे हुई थी? एट दिल्ली। ठीक है, पता लग गया आपको, बंदा सिंह बहादुर को फुरुक्सियर ने मार दिया था और साथ में उसने 300 सिख भी अरेस्ट कर लिए थे, जिनको वो हर रोज, मतलब 100 सिख, जो 100 सिख थे डेली उनको मारता था वो। ठीक है, आई थिंक आपको बंदा सिंह बहादुर के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं खालसा के बारे में। ठीक है, पहले हमने बात की है बंदा सिंह बहादुर, ठीक है, उसके बाद खालसा। खालसा मीन्स दल खालसा। ठीक है, भाई मनी सिंह दल खालसा के हेड, ठीक है, लीडर ऑफ दल खालसा कपूर सिंह, इसके लीडर कौन थे? तो कपूर सिंह। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इन्होंने दल खालसा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके टू पार्ट्स, एक तो बुड्ढा दल एंड देन तरुणा दल। बुड्ढा दल, इसको ओल्ड एज जो इसमें पीपल थे उस वो आ गए थे बुड्ढा दल में, एंड तरुणा दल इज यंग पीपल। ठीक है, दल खालसा को दो में डिवाइड कर दिया, ओल्ड एज पीपल आगे बुड्ढा दल में एंड तरुणा दल में आगे यंग एज पीपल। ठीक है, इसका जो चीफ कमांडर दैट इज जस्सा सिंह अहलूवालिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाता है बट बच्चों को आता नहीं होता। चीफ कमांडर ऑफ दल खालसा इज जस्सा सिंह अहलूवालिया। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सारा मतलब डिटेल में सिर्फ उतने कहा है जो क्वेश्चंस आते हैं। दल खालसा का हेड भाई मनी सिंह, लीडर दल खालसा का कपूर सिंह, ठीक है, दो में डिवाइड हो गया बुड्ढा दल तरुणा दल, बुड्ढा दल को ओल्ड एज पीपल आ जाते हैं, तरुणा दल में यंग पीपल आ जाते हैं। चीफ कमांडर दल खालसा का जस्सा सिंह अहलूवालिया। अब हम गवर्नर ऑफ लाहौर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये काफी बार एग्जाम। 1738 में कौन था? नदीर शाह, एंड 1745 में जकरिया खान। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में
पंजाब के जो गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं उसमें बहुत बार पूछा जाता है। 1738 में नदीर शाह था, 1745 में जकरिया खान, उसके बाद आया यहिया खान। यहिया खान कौन था? जकरिया खान का सन था, ठीक है। और इसमें मोस्टली वही हैबिट्स थी जो जकरिया खान में थी, ठीक है। मतलब इसने वैसे ही जैसे कहते हैं ना राज किया जैसे जकरिया खान ने किया, यहिया खान, ठीक है, उसका सन वैसे ही था। अब मैं आपको बात करने जा रही हूं लखपत राय जो कि दीवान था लाहौर, ठीक है। लखपत राय कौन था? लाहौर का दीवान था। उसका भाई कौन था? जसप्रत राय, ठीक है, ब्रदर ऑफ लखपत राय। अब ये बताने के पीछे क्या बात है कि सिख ने जसप्रत राय को मार दिया था, मतलब ठीक है, और उसका जो ये लखपत राय उसका भाई था, ये दीवान था लाहौर का, उसने सिखों से बदला लिया, रिवेंज, ठीक है। और उस रिवेंज के लिए छोटा गल्लूघारा, बड़ा गल्लूघारा या वड्डा गल्लूघारा, वो हुआ, ठीक है, पता लग गया। लखपत राय कौन था? लाहौर का दीवान था। जसपत राय लखपत राय का ब्रदर था, ठीक है, और सिख से ये मर गया था तो लखपत राय ने बदला लेने के लिए सिखों से छोटा गल्लूघारा और बड़ा गल्लूघारा किया। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं छोटा गल्लूघारा और वड्डा गल्लूघारा, इन दोनों के बारे में, ठीक है, छोटा गल्लूघारा और वड्डा गल्लूघारा, ठीक है। पहले छोटे गल्लू के बारे में बात करते हैं। छोटा गल्लूघारा कब था? 1746 में हुआ था, ठीक है, कहां पर? गुरदासपुर काहूवान के नजदीक हुआ था, ठीक है। इसमें ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 7000 सिख डाइड हुए थे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो छोटा गल्लूघारा है उसमें कितने सिख शहीद हुए थे? इस 7000 और 300 सिख को कैप्चर किया गया था, ठीक है। छोटा गल्लूघारा की याद में काहूवान बनाया गया था, काहूवान मेमोरियल बनाया गया था, कहां पर? गुरदासपुर के नजदीक, जो कि 100 फीट टॉल था। उसकी हाइट कितनी थी? हाइट इज 100 फीट टॉल था ये। छोटे गल्लूघारे की याद में काहूवान के काहूवान मेमोरियल बनाया था गुरदासपुर में, ठीक है। इसकी हाइट कितनी थी? 100 फीट टॉल था ये, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? 1748 में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगानी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस तरह से भी पूछा जाता है। अहमद शाह अब्दाली कौन था? ही इज अफगानी, ठीक है। कहां से आया था? ओवस अफगानिस्तान से आया था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अफगानी था, अफगानिस्तान से आया था 1748 में। इसको किसने बुलाया था? यहिया खान, यहिया खान के ब्रदर ने इसको बुलाया था, ठीक है। अब बात करते हैं वड्डा गल्लूघारा, ठीक है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसमें 20,000 टू 50,000 सिख डाइड हुए थे, ठीक है। इसमें छोटे गल्लूघारे में 7000 और इस बड़े वड्डे गल्लूघारे में 20,000 to 50,000। इसमें चिल्ड्रन और लेडीज वुमेन, मैन मतलब सब इसमें शामिल था, ठीक है, जो शहीद हुए थे। ये था 1746, दैट इज 1762 फेब में। वो कहां पर हुआ था? गुरदासपुर काहूवान में। ये नियर सरहिंद में हुआ था। कहां पर हुआ था? सरहिंद में। इसकी मेमोरी में कापरूहारिया मेमोरियल बनाया गया है, कापरूहारिया मेमोरियल, कहां पे? मलेरकोटला संगरूर का।
ये विलेज में बनाया गया है, ठीक है। इसकी मेमोरी में कपरूहारिया मेमोरियल बनाया गया है मलेरकोटला संगरूर में, ठीक है। अब आपको ये सारा खालसा क्लियर हो गया होगा, छोटा गल्लूगारा बड़ा गल्लूगारा। इससे पहले हमने दल खालसा के बारे में भी किया है, वो सारा आपको क्लियर हो गया आएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मिसल्स के बारे में। मिसल्स कितनी है, दैट इज 12। कितनी मिसल्स हैं टोटल, 12। ये क्वेश्चन आ सकता है, और मिसल्स ये सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं इनके बारे में, और ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल पंजाब में कितनी मिसल्स थी, दैट इज 12। भंगी मिसल सबसे पहले आता है, भंगी मिसल। भंगी मिसल का हेड कौन था, हरि सिंह ढिल्लो। भंगी मिसल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हरि सिंह ढिल्लो। ये सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड वन इज रामगढ़िया मिसल, इज जस्सा सिंह रामगढ़िया। कौन है, जस्सा सिंह रामगढ़िया, यहाँ के साथ इस रामगढ़िया, इसका नाम पूरा क्या है, जस्सा सिंह रामगढ़िया। रामगढ़िया मिसल का हेड कौन है, जस्सा सिंह रामगढ़िया। अहलूवालिया मिसल इज जस्सा सिंह अहलूवालिया। अहलूवालिया मिसल का हेड जस्सा सिंह अहलूवालिया, रामगढ़िया इज जस्सा सिंह रामगढ़िया। दोनों के नाम सेम है, रामगढ़िया और अहलूवालिया। कई बार ऑप्शन में रामगढ़िया और अहलूवालिया नहीं लिखा होता, इसलिए पहले मैंने इसके साथ नहीं लिखा, सिर्फ जस्सा सिंह ही लिखा हुआ था। रामगढ़िया मिसल का आंसर भी जस्सा सिंह है, और अहलूवालिया मिसल का नाम भी जस्सा सिंह। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको आइडिया हो ही जाएगा, दैट इज अहलूवालिया, अहलूवालिया लगा हुआ है, ठीक है। अगर ना हो तो इनके आंसर जस्सा सिंह, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज शहीदा मिसल, कौन है, बाबा दीप सिंह। आप इसको याद करने के तौर पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शहीद कौन हुआ था, दीप सिंह। याद करने के लिए आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, शहीदा मिसल का हेड बाबा दीप सिंह, सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है, शहीदा मिसल। ऊपर बाद में आता है फिफ्थ इज करोड़ संख्या, करोड़ सिंह। ये तो आपको इजी है याद करने के लिए, इस करोड़ संख्या मिसल का हेड इज करोड़ सिंह। करोड़ संख्या मिसल का हेड कौन है, करोड़ सिंह। निशान वालिया मिसल इस दसुंधा, कौन था इसका हेड, किसने बनाई थी, दसुंधा। निशान वालिया मिसल इस दसुंधा, ये भी इंपॉर्टेंट है। करोड़ संख्या, करोड़ संख्या इस करोड़ सिंह, बट इजी है, करोड़ संख्या इस करोड़ सिंह। अब हम बात करते हैं बाकी जो हमारी छह मिसल्स बची हैं उनके बारे में। सेवंथ इज नकई मिसल, सेवंथ इज नकई मिसल, हीरा सिंह नकई। किसके द्वारा बनाई गई है, हीरा सिंह नकई। ढाले वालिया मिसल इज गुलाब सिंह, ढाले वालिया मिसल इज गुलाब सिंह। ये सारी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पहले इस तरह से कर लेते थे कि ये वाली जैसे कन्हैया मिसल इंपॉर्टेंट है, शुक्र जकिया मिसल इंपॉर्टेंट है, बट अब मतलब ये सबको पता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। अगर वही कर लेंगे तो जो बाकी बचे वो फिर एग्जाम्स में आजकल सारे की सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये मिसल्स उनमें से है कि कोई भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो जो एट्थ थी ढाले वालिया मिसल इस गुलाब सिंह, नाइन्थ इज फुल्किया मिसल इस चौधरी फूल सिंह। इससे आपको याद हो जाएगा यहाँ पे फूल है, इस फूल सिंह चौधरी फूल सिंह। कन्हैया मिसल इस जय सिंह, इसको किस तरह से याद रखो, जय कन्हैया लाल की, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है। कन्हैया मिसल इस जय सिंह, जय कन्हैया लाल की, तो इस तरह से कन्हैया जय आ सकता है, ठीक है। सिंहपुरिया मिसल फैजलपुरिया कपूर सिंह, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सी करी थी, करोड़ सिंह वाली, ठीक है ना, ये है कपूर सिंह, ओके। एंड ट्वेल्थ इज शुक्र चकिया मिसल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, शुक्र चकिया मिसल इज बुड्ढा सिंह, इसका हेड कौन था? बुड्ढा सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र चक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्हैया फूल चकिया, ये तीनों मिसल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आजकल एग्जाम्स में क्योंकि कई शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, कोई ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो अगर इस तरह से एग्जाम्स आ जाए तो उनमें कोई भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर इम्पोर्टेंट नहीं, फिर उन्होंने कवर करना होता है सारा बीच में क्वेश्चन, तो उसमें कोई भी पूछ सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट की अगर देखें तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। महाराजा रणजीत सिंह, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको करेंगे। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ हम वही करेंगे, ऐसे सारे नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल के बारे में, मतलब एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन होंगे वही करेंगे, जो पंजाब के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली पूछे जाते हैं, हम सिर्फ वही कर रहे हैं, फालतू का मटेरियल हम नहीं कर रहे हैं, जो जो आता है एग्जाम्स में हम सिर्फ वही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।